हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रीनोज इंग्लिश पीडिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बार बार कहती हूँ थीम के ऊपर फोकस करना है थीम को ही फॉलो करना है सो लेट्स जंप इन टू इट बिफोर वी स्टार्ट द कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम तो इस पोएम की मेन थीम क्या है ये पोएम हमें सिखाता है हाउ टू डील विद द लॉस हाउ टू एक्सेप्ट लॉस राइट ये थीम ऑफ लॉस एंड इट्स एक्सेप्टेंस के ऊपर पोएम बनाई गई है अगर हम इसमें अब पोएम में इमेजरी और टोन के बारे में बात करें तो जो इस पोएम का टोन है वो सोम्बर है सोम्बर है मतलब सीरियस है स्टॉइक है स्टॉइक है मतलब बहुत स्थिर है उसमें कोई हंसी मजाक नहीं है बड़ी सीरियसली ये पोएम को लिखा गया है जो पोएम है वो इमेज ऑफ अ बॉल को यूज करती है टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ लॉस एंड एक्सेप्टेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है हम अपनी लाइफ में हर पल कुछ ना कुछ खोते हैं बट हमें उस लॉस को एक्सेप्ट करना है दिस हैज बीन कन्वेड थ्रू द इमेज ऑफ अ बॉल अब अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें देन द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स ब्लैंक वर्स का मतलब है यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो फॉलोड नहीं है इफ़ यू टॉक अबाउट द पोएटिक डिसेस तो यहाँ पे न्यूमरस पोइट डिवाइज हैं लाइक इन द फ्रेज शेकिंग ग्रीफ तो वी कैन सी द पोएटिक डिवाइस ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब एक एपिथेट दैट इज एन एडजेक्टिव वो अपनी राइटफुल प्लेस से उठा के एक क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड के पास ट्रांसफर हो गया है अब शेक नहीं कर रहा है से के साथ लिख दिया गया है टू क्रिएट अ पोइटिक इफेक्ट नेक्स्ट लिटरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम ह्यूमन क्वालिटी को एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या आइडिया को देते हैं तो यहाँ पे मेरीलीउंसिंग जो बॉल है यू uh, नो you know, होना एक इंसान की क्वालिटी है जो हमने बाउंसिंग ऑफ द बॉल को दे दिया है देयरफॉर इट इज परसोनिफिकेन देन ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द बॉल इज सिम्बलाइजिंग थिंग्स वी हैव इट इज ऑल्सो फॉर द लॉस दैट वी मे हैव टू है अगेन लिटरी डिवाइस रेपिटेशन हैज बीन यूज वेन दर्ड्स वॉट वॉट इज ही टू डू में रिपीट होता है तो दैट इज रेपिटेशन एंड देन बॉल्स बॉल्स में भी वी कैन सी दर्ड रेप जब भी कोई वर्ड रिपीट होता है फॉर एम्फेसिसन वी सेट दिटरी डिवाइस रेपिटेशन यूजरेशन होता है रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड नॉट द सेम वर्ड साउंड रिपीट होता है तब वो एलिट्रेशन होता है अगर सेम वर्ड है जैसे बॉल ball, बॉल्स है तो आप बोलो कि ब साउंड रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन नहीं होगा इट विल बी रेपिटेशन बिकॉज द एंटायर वर्ड इज बीइंग रिपीटेड बट सिर्फ जब डिफरेंट वर्ड्स में फर्स्ट साउंड सेम होता है तब वो एलिट्रेशन है फॉर एग्जाम्पल नो वन बाइज अ बॉल बैक इसमें ब साउंड इन बॉल एंड बैक इज बिंग रिपीटेड इट इज एट्रेशन अगर हम अब इसकी क्विक समरी देखें तो पोएम की समरी क्या है कि पोएम इज डिस्क्राइबिंग द सोरो द ग्रीफ ऑफ अ बॉय जो बॉल के साथ खेल रहा था और अचानक से उसकी जो बॉल है वो हार्बर में गिर जाती है अब यहाँ से उस बॉय को कंसेप्ट ऑफ लॉस के बारे में सब पता चलता है और साथ ही साथ के उसको ये लॉस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जो इंसान होता है उसको कई बारी फोर्स किया जाता है कई ऐसे काम करने के लिए जो वो करना नहीं चाहता राइट उसको ऐसी चीजों को गिवअप करना पड़ता है जिनसे वो बड़ा प्यार करता है बट हमारे को ये करना पड़ेगा हमें बार बार उन चीजों को यू नो वी विल हैव टू सैक्रिफाइस दो थिंग्स We will have to get up and we will have to remain strong and continue with our life in spite of those losses, in spite of those sacrifices. So, this is a quick recap of the poem. Let's now quickly jump into the questions. So, the first question is Do you think the I in the poem is the poet or an observer? Give a reason for your choice of response. अब पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आई जो है एक बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा है देन राइट right? ये जब अब इस तरह का उसने क्यों चॉइस किया है हम क्यों बोल रहे हैं कि आई एक ऑब्जर्वर है बिकॉज जो आई है ना जब भी किसी पोएम में आई या किसी भी वर्क में आई यूज किया जाता है तो दर इज इट इज यूज टू शो अ डिस्टिंक्ट सेपरेशन बिटवीन द पोएट एंड द सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्क और इस पोएम में सब्जेक्ट कौन है द बॉय हु इज गोइंग टू फेस अ लॉस तो इन दोनों कैरेक्टर्स में एक डिस्टिंक्ट सेपरेशन करने के लिए हम आई का यूज कर रहे हैं टू डिस्क्राइब द नरेटर द पोएट अब स्पीकर जो है जो आय है वो क्या कर रहा है वो बच्चे के लिए उसके ग्रीफ के लिए एम्पति दिखा रहा है वो उसके ग्रीफ को रिस्पेक्ट कर रहा है वो चूज कर रहा है कि उस बॉय के ग्रीफ में इंट्रूड नहीं करेगा सजेस्टिंग दैट ही इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिचुएशन तो इससे क्या होता है जो ऑब्जर्वर होता है उसको एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने का मौका मिलता है और वो अब इस पोयम में किस पे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द बॉयज इमोशंस एंड हिज एक्शन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप होते पोएट तो आप बॉल की जगह कौन सा टॉय यूज करते और आपने रीजन देना है अपनी चॉइस के लिए तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ काइट अब काइट का एग्जाम्पल क्यों देना है बिकॉज काइट जो है ना वो फ्रीडम और जॉय को सिम्बलाइज करती है बट एट द सेम टाइम यू नो इट इज अलाउिंग फॉर एन एक्सटेंडेड एंगेजमेंट विद द नेचर एंड द स्का एक्सटेंडेड एंगेजमेंट मतलब उसका कनेक्शन जो आसमान से बनता है जो नेचर के साथ बनता है वो भी इंक्लूड होता है

Out of sight, out of mind might apply to the boy towards the end of the poem. एक फेमस कोट होती है जिसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आपकी नज़रों से हट जाती है तो बहुत जल्दी आप उस चीज़ को भूल भी जाते हो अब इस कोट को हमें बॉय के साथ अप्लाई करना है कीपिंग इन माइंड द एंड ऑफ द पोएम तो अब हम इस बॉय के साथ कैसे अप्लाई करेंगे क्योंकि बॉय हैज टू ग्रेजुअली मूव ऑन फ्रॉम हिज लॉस उसको बॉल को भूलना ही पड़ेगा तो ये फ्रेज हमें क्या सजेस्ट करता है कि जब कोई चीज विजिबल या प्रेजेंट ना हो तो इंसान उसके बारे में भूल जाता है उसी तरह से बॉय भी अपने लॉस को भूल जाएगा दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा क्योंकि जो बॉल की मेमोरी है वो टाइम के साथ फेड हो जाएगी उसको न्यू सोर्सेज ऑफ जॉय एंड इंटरेस्ट मिल जाएंगे सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द कोड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉपुलर कोड स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ टॉट हाउ डज द पोएम अड्रेस दिस थॉट एक और कोटेशन है जो बोलती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम खुद को सिखाते हैं अब इस पोएम में इस address, इस थॉट को कैसे समझाया गया है कैसे एड्रेस किया गया है तो ये एड्रेस किया गया है थ्रू द बॉयज एक्सपीरियंस ऑफ लॉस एंड ग्रीफ ओवर हिज बॉय जिस तरह से पोट्रे किया गया है जिस तरह से बताया गया है कि जो बॉय है वो अपने इमोशंस के साथ डील करना लर्न करेगा सीखेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने फीलिंग्स के लिए

अम um, किसी चीज से हार नहीं मानना आपको जितनी मर्जी बार हार मिले यू डू नॉट गिव अप यू ट्राई एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ सूटेबल बायलाइन फॉर द बॉल पोयम विद अ रीजन फॉर योर चॉइस बायलाइन का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा लाइन व्हिच विल डिस्क्राइब एवर इज बीइंग रिटन व्हिच विल डिस्क्राइब द टाइटल राइट तो इसकी बायलाइन हो सकती थी लॉस्ट एंड फाउंड लेसेंस ऑन लॉस एंड रेजिलियंस मतलब लेसन्स लॉस के बारे में है रेजिलियंस के बारे में है चीज़ें खोती भी हैं और चीज़ें मिलती भी हैं अब हम इस तरह का बाईलाइन क्यों चूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ कैप्चरिंग देंट्रल थीम ऑफ द पोएम जो बॉय के एक्सपीरियंस के साथ रिवॉल्व करता है बॉय का एक्सपीरियंस क्या है दैट ही लॉस इज़ बॉल्व द सब्सिक्वेंट इमोशंस जो उसको फेस करना पड़ेगा जो वो फेस कर रहा है आफ्टर द लॉस ऑफ द बॉय ये जो पोएम है ये एम्फोसाइज कर रही है द जर्नी ऑफ लॉस आपके पोएम में वर्ड यूज किया गया है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस राइट दैट इज द जर्नी ऑफ लॉस और जर्नी ऑफ लॉस ऑलवेज कम्स विद वैल्यूबल लेसन ऑफ रेजिलियंस अगेन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन रेजिलियस वेल्यूबलियंस का मतलब होता है कि रेजिलियंट होना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में ये पोएम उस उसके ऊपर एम्फोसिस देता है और हम इन्हीं तरह के यू नो लॉस एक्सपीरियंसिस से रेजिलियंस सीख सकते हैं देयरफॉर दिस बायलाइन इज द मोस्ट अट एप्टईलाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकाउंट योर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ अ फेवरेट ऑब्जेक्ट As a very young child would you have behaved the same way now explain with reason ab अब आपसे बोला जा रहा है कि आपका रिएक्शन क्या था when you lost a favorite object as a very very young child. जब आप बहुत छोटे थे आपको सबसे ज्यादा दुख किस चीज़ के खोने पे हुआ था उस चीज को खोने पे आपका रिएक्शन कैसे था क्या आप उस छोटे से लड़के की तरह ही बिहेव करते एंड यू हैव ट आप अपने किसी भी बात कर सकते हो यू कूड टॉक अबाउट अ गन यू कूड टॉक अबाउट अ डॉल और यू कूड टॉक अबाउट एनी इम्पोर्टेंट थिंग समीमल बट उसमें आप क्या बोलोगे आपने जब उस चीज को खोया था हाउ डिड यू फील यू फील डिस्ट्रॉक्ट पोएट कैसा द बॉय हाउ इज द बॉय फीलिंग एट द लॉस ऑफ द बॉय

बट अब जब आप बड़े हो गए हो तो यू नो दैट यू विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन डिफरेंटली क्योंकि अब क्या हुआ है अब आपके अंदर इमोशनल रेजिलियंस आ गया है आपके अंदर अब ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपको अब लॉस को एक्सेप्ट करना आ गया है एंड देयरफॉर यू वुड बी मोर काम व्हेन यू फेस द लॉस ऑफ फेवरेट ऑब्जेक्ट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड एंड यू नो उनकी जो मेमोरीज होती हैं हमें उन मेमोरीज को मतलब चेरिश करना चाहिए हमें टॉय के लॉस पे इतना दुखी नहीं होना चाहिए थिंग्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट बट वी नीड टू चेरिश द मेमोरीज दैट वर एसोसिएटेड विद दो थिंग्स नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट टू वेरी वेल क्वेश्चन इज वट फीलिंग डू यू थिंक माइट बी एक्सपीरियंस एट द लॉस ऑफ अ मोबाइल फोन फॉर अ यंगस्टर टूडे अगर आज कल की जो टीन जनरेशन है वो अपना मोबाइल फोन खो दें तो उनका हाउ वुड दे फील राइट और ये फीलिंग किस तरह से डिफरेंट होगी फ्रॉम दोस्ट बाय द बॉय इन द पोने तो आज एक यंगस्टर का अगर फोन लूज uh, हो जाए तो वो क्या फील करेगा वो एंशियस फील होगा फ्रस्ट्रेटेड फील होगा उसको लगेगा कि वो अपने फ्रेंड्स वर्ल्ड से डिसकनेक्ट हो गया है अब अनलाइक द बॉय इन द पोए जिसने सिर्फ एक अपना सिंपल बॉल खोया था इन द वर्ल्ड टुडे द लॉस ऑफ अ मोबाइल फोन इज मोर सिग्निफिकेंट व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो एक यू ना आपकी सोशल लाइफ के लिए एक पोर्टल है एक जरिया है जिससे आप सोशल लाइफ में एंटर होते हो आपके लिए मोबाइल फ़ोन आपका यू नो मींस ऑफ एंटरटेनमेंट है आपकी खुद की डिजिटल आइडेंटिटी है तो मोबाइल फंक्शन अगर मैल फंक् मोबाइल फोन अगर मैल फंक्शन करे तो उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो बहुत इंटेंस होएगा इट इज़ मच मोर देन लॉस वो डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस बन जाएगा And it will be more terrible compared to losing a simple toy. Okay, next question. When we think of losses, we generally think of people or possessions. But time is also considered a very precious commodity. Explain karna hai aap why time can probably be one of the things people bitterly regret losing or wasting. A टाइम के ऊपर हम कभी फोकस नहीं करते हैं कि टाइम का लॉस भी तो कितना प्रेशस लॉस है और टाइम का लॉस क्यों लोगों को बिटरली रिग्रेट करने पे मजबूर करता है अगेन एट दिस पॉइंट यू मस्ट प्रोबेबली रिग्रेटिंग फॉर वेस्टिंग टाइम आपको नजर आया है कि आपने पूरा साल यू हैव लॉस टाइम वेन यू कुड योर बोर्ड एग्जाम्स तो अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर लेकर आए तो हमें समझ में आता है बिकॉज टाइम को टाइम को हम प्रेस क्यों कह रहे हैं बिकॉज़ ये एक फाइनाइट और इररिप्लेसेबल कमोडिटी है फाइनाइट मतलब लिमिटेड होती है इररिप्लेसेबल क्यों कह रहे हैं क्योंकि टाइम एक बार चला जाए तो वो लौट कर नहीं आता है इसीलिए लोगों को बिटर रिग्रेट होता है व्हेन दे लूज और व्हेन दे वेस्ट टाइम बिकॉज जो टाइम चला गया उसको आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे पोजेशंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं बट टाइम को अगर हमने खराब किया वेस्ट किया या अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर हमने स्पेंड किया तो ये टाइम को हम कभी भी रिक्लेम नहीं कर सकते जिसके कारण फ्यूचर में वी विल यू नो इट विल लीड टू फीलिंग्स ऑफ रिमोस एंड मिस अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ most of you are now regretting the time that you wasted initially or वही चीज आपने यहां पे आंसर में, you can add on to explain now the next question is imagine you are the boy's elder sibling he tells you about the loss of the ball on reaching home how would you assure him you may begin your reply like this i don't think you should take this to heart you see अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको सोचना है कि आप उस बच्चे के बड़े भाई हो वो घर आकर आपको बताता है हाउ ही लॉस बॉल अब आपने क्या करना है आपने उसको एश्योर करना है एश्योर मतलब दिलासा देना है उसके लिए उन्होंने आपको क्यों भी दिया हुआ है तो क्यों हमने देखा वो आगे क्या बोलेगा कि लूजिंग थिंग्स है ये एक जिंदगी का पार्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बॉल के साथ तुम हार्बर में नहीं गिर गए बॉल तो हमें नहीं मिल जाएगी बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी सेफ एंड देन ही विल फोकस ऑन द मेमोरीज एसोसिएटेड विद द बॉल कि उन फन मेमोरीज के बारे में सोचो जो तुम्हारे को हमारे को उसके साथ खेलकर आई थी ठीक है आप सैड फील कर रहे हो But don't let it make you miserable, don't let it depress you, and we will definitely find, reassure Karna, we will definitely find a new way to make new memories together. Now, this question will also be very interesting for many students. The question is the poem deals with a child understanding loss for the first time. Matches and championships, too.

हम जब मैच खेलने जाते हैं किसी चैम्पियनशिप के लिए जाते हैं तो हो सकता है हम उसमें लूज कर जाएं तो वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस होता है तो अब क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को ट्रेन करने के लिए कि वो लॉसेस को अपनी स्ट्राइड में कैसे लें मतलब लॉसेस से आगे सीखकर आगे कैसे बढ़ें राइट right? तो इसका आंसर होगा कि जब हम गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चों को कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग समझ में आता है राइट right? हम उनको एक्सपोज करते हैं इन पॉसिबिलिटी से अब उन इस चीज़ से वो सीखने को उनको मिलता है कि कोई भी हम काम करें किसी भी तरीके का एंडीबर करें उसमें अगर हम सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं तो उसमें फेलियर के भी चांसेस हैं अब सेकेंड पॉइंट ये है कि जो स्पोर्ट्स है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप डिफीट को एक्सपीरियंस कर सकते हो और इस डिफीट से बच्चों के अंदर रेजिलियंस आएगा इमोशनल स्ट्रेंथ आएगा रेजिलियंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो उस डिफीट को फाइनल डिफीट नहीं मानेंगे वो और प्रैक्टिस करेंगे और टैक्टिक्स सीखेंगे और स्ट्रेटेजाइज करेंगे

जो आपने उसमें एफर्ट डाला है वो इक्वल इम्पोर्टेंट है एस द आउटकम आउटकम अगर इम्पोर्टेंट है कि आपको जीतना ही है तो वो जर्नी जो जीतने की है जो एफर्ट आपने जीतने के लिए डाला है वो आपकी फाइनल विन की तरह इक्वली इम्पॉर्टेंट है इसीलिए कहा जाता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे इन वैल्यूबल लाइफ लेसन और बच्चों को लॉस को हैंडल करना सिखाते हैं ग्रेसफुली वो अपने मिस्टेक से लर्न करते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं एंड दे नो हाउ टू फेस चैलेंजेस इन द फ्यूचर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द बुद्धा वर टू समराइज द लाइफ लेसन ऑफ द बॉल पोएम व्हाट वुड दैट सर्मन बी थिंक एंड क्रिएट दिस एड्रेस फॉर पीपल ऑफ योर एज मतलब अगेन इट्स एन नेक्स्टेशन क्वेश्चन अक्रॉस द टेक्स्ट आपके sermon at बनारस को बॉल poem के साथ कोलिंग किया गया है तो अगर अब आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर बुद्धा को द बॉल पोयम के ऊपर एक sermon बनाना होता तो वो क्या बनाते आपने इसको सोच के क्रिएट करना है इन अकॉर्डिंग्स टू फॉर द पीपल ऑफ योर एज ऑफ योर एज मतलब जो 14 15 16 साल के बच्चे हैं उनको उनको डायरेक्ट करते हुए हमने ये समन बनाना है तो द समन कुड बी क्योंकि ये डायरेक्ट एड्रेस है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच तो आपको स्पीच uh, फॉर्मेट में डियर फ्रेंड से शुरू करना पड़ेगा फिर आप बताओगे कि बुद्धा आपके लिए क्या करने वाला है ही इज गोइंग टू शेयर अ वैल्यूबल लाइफ लेसन विद दस वो बोलेंगे लाइफ इज लाइक अ बॉल एंड लॉस इज नेचुरल पार्ट ऑफ इट जस्ट द वे के बॉय ने अपने बॉल को लूज किया वी विल ऑल्सो इनकाउंटर लॉसेज एंड चैलेंजेस इन आर जर्नी जब हम उस जर्नी पर चल रहे होंगे तो हम भी लॉस को फेस करेंगे हम भी चैलेंजेस को फेस करेंगे बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इस इम्पर्मनेंस को एम्ब्रेस करें एक्सेप्ट करें इससे सीखें हम मटीरियल पोजिशंस के साथ को क्लिंग ना करें उनके लॉस से डिसहार्टेंड ना हो इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड चेरिश द जॉय ऑफ लिविंग जो है उसमें हम जॉय ढूंढें, जो चीज़ जा चुकी है उससे निराश ना हो वी शुड एम्ब्रेस द लेसन ऑफ लॉस क्योंकि वाई शुड वी एम्ब्रेस इट बिकॉज वो हमारे को रेजिलियंस सिखाता है हमें इनर स्ट्रेंथ देता है फिर वो हमारे को एडवाइस देंगे रिमेंबर दैट लाइफ इज अ ब्यूटिफुल डांस ऑफ हाईज एंड डाउन्स हाईज एंड डाउन्स मतलब लाइफ में कभी अच्छा टाइम होगा और कभी बुरा टाइम होगा और जो भी है हमें उसको बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है तभी हमारे को पीस एंड हैप्पीनेस विद इन आर सेल्फ मिलेगा एंड देन यू विल एंड विद लव एंड कंपैशन द बुद्धा अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है नॉट फॉर नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑबटेन पीस ऑफ माइंड इफ यू हैड टू यूज द मैसेज ऑफ द गिवन कोट फ्रॉम द बुद्धा समारस टू हेल्प द बॉय कोप विद द लॉस ऑफ हिस बॉल एंड वॉट इट सिग्निफाइज वॉट वुड यू इंक्लूड इन योर एडवाइस अब सामन ऑफ़ बिनारस में हमें समन कोट ये दिया गया था कि रोने से ग्रीव करने से आपको मन की शांति नहीं मिल सकती अब इस कोट को यूज़ करते हुए आप उस बच्चे को कैसे सिखाओगे हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ इस बॉल राइट आप उसको कैसे बताओगे कि इस कोटेशन का मतलब क्या है अगेन आपने ये भी ये भी इवेल्युएट करना है इस क्वेश्चन में दैट उसके लिए ये लाइन को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट क्यों होगा राइट right? तो अब लर्निंग क्या है फ्रॉम द रेफरेंस कोर्ट ऑफ बुद्धा कि लॉस ऑफ इरिप्लेसिबल थिंग्स ब्रिंग्स ग्रीफ एंड सॉरो। जिन चीजों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते वो हमें बहुत दुख देती हैं, वो हमारे सौरों का कारण बनती हैं बट उस टाइम पे हमें क्या करना है हमें काम रहना है शांत रहना है हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो चीज़ें होती हैं वो पेरिश होती हैं उनका मॉटल नेचर होता है वॉट एवर इज़ बॉर्न हैज़ टू डाई अगर हमें जिंदगी नॉर्मली जीनी है तो हमें उस लॉस को भूलना ही पड़ेगा नाउ सेकेंड पार्ट इज हाउ डू वी हेल्प द बॉय कोप विद हिज लॉस तो उसको बताना पड़ेगा कि लॉस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस उस लॉस के साथ हमें अडाप्ट करना है एक्सेप्ट करना है और हमें मूव ऑन करना है अब बॉय के लिए ये नोशन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्यों होगा बिकॉज जो बच्चा है वो बहुत छोटा है ईज टू यंग टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस और द डेप्थ ऑफ दस वर्ड्स वो अपने ग्रीफ में अपने लॉस में अकेला है कोई भी नहीं है उसके पास जो उसको समझाए जिसको वो समझाए और यू नो जिससे वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर सके किसी भी चीज़ से लर्न करने के लिए उसके साथ कोप करने के लिए टाइम चाहिए होता है तो इसीलिए बॉय डिसहार्टेंड होगा उस उम्र में क्योंकि उसने कभी इस तरह का लॉस पहले देखा नहीं है उसको टाइम लगेगा इस लॉस को एक्सेप्ट करने में इसके साथ कोप करने में ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट के ऊपर हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे द इज एन अल्टीमेट शेकिंग द बॉय एज ही रिजिड ट्रेवलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम अ क्वेश्चन है इन द लाइन Ultimate shaking grief fixes the boy. What does the following line tell us matlab मतलब, ultimate मतलब kya हमें क्या बताता है और fixes, ये जो दो words हैं ये हमें क्या बताते हैं तो इसको हमें आंसर करना है in around 40 words. इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये दो मार्क का होगा फॉर अल्टीमेट इफ यू गिव द राइट एक्सप्लेनेशन यू गेट वन मार्क

गिरफ्त में ले लेता है तो इसका मतलब है कि जो है, है कि जो वो एक central और unshakable part बन गया बॉय के इमोशनल स्टेट का बॉय उस ग्रीफ से बाहर नहीं आ पा रहे एंड दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन बोथ दर्द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद करेक्ट ऑप्शन द यूज ऑफ रिजिड एंड ट्रेमलिंग इन द सेम लाइन क्रिएट्स अ पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अब रिजिड का मतलब क्या है कि आप हिल नहीं सकते आप जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे रिजिडनेस क्यों आता है ड्यू टू इमोशनल लमनेस राइट आप इमोशनली इमोबलाइज हो जाते हो आप मूव नहीं कर पा रहे हो ऑन दी अदर हैंड ट्रेमलिंग का इंडिकेट करता है अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेंस इमोशन आप फिजिकल आप एक बहुत इंटेंस इमोशन फेस कर रहे हो जिसके कारण आपकी बॉडी में एक ट्रेमलिंग शुरू हो जाती है तो ये पेरिंग क्या सजेस्ट करता है कि डिस्पाइट बीइंग इमोशनली फ्रोजन और रिजिड आपकी बॉडी एक फिजिकल एक्सप्रेशन दिखा रही है ऑफ डी डीप सीटेड इमोशनल टर्मोइल आप इस इमोशन को कैसे दिखा रहे हो थ्रू योर ट्रेम्बल्स तो ये कन्वे करता है मल्टीफैसेटेड नेचर ऑफ ग्रीफ जहाँ पे वन वेर वन कैन बी इंटरनली ओवरवेम्ड वाइल स्टिल एग्जिबिटिंग विजिबल साइंस ऑफ डिस्ट्रेस तो इसके हिसाब से अगर हम ए ऑप्शन देखें तो रिजिड एंड ट्रेमलिंग का मतलब सकम एंड विजिबल सॉबिंग है आंसर इज नो बच्चा बच्चा रिजिड खड़ा है ट्रेम्बल कर रहा है बट कहीं पर भी वो रो रहा है सॉप कर रहा है ये नहीं आया है सेकेंड इज डिफेंस मैकेनिज्म एंड सबमिशन टू अ सिचुएशन डिफेंस मकैनिज्म हो सकता है बट सबमिशन टू अ सिचुएशन कहीं पर भी वेरीफाइड नहीं है सो अगेन द बी ऑप्शन कैन नॉट बी राइट डी ऑप्शन को देखें तो स्ट्रांग बिलीव एंड अनएक्सपेक्टेड रियालिटी तो यहाँ पे बिलीव्स की कोई बात ही नहीं हो रही है

आपको ट्रू एंड फॉल्स भी स्टेट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है साथ में आपने उसका रीजन भी बताना है वाई इंडिकेट करता है रीजन अब लाइन क्या है ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेर हिज बॉल वेंट अब ये जो लाइन है ये डिफर करती है टू लूजिंग द बॉल एज जस्ट अ मटीरियल लॉस क्या बॉय के लिए बॉल का जो लॉस था वो सिर्फ मटीरियल लॉस था द आंसर इज फॉल्स क्यों बिकॉज जो बॉल है वो एक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन है ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर इट इज अ लॉस ऑफ इनोसेंस एंड इट इज यू नो इनोसेंस से निकल के आप मेचोरिटी की तरफ आ रहे हो आपको रियलाइजेशन हो रहा है अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज द ट्रुथ ऑ ऑफ लाइफ जो बहुत हायर लेवल पे होते हैं विच आर फार मोर देन जस्ट अ मटीरियल लॉस

अ पासिंग ओवर फेस द राइट आंसर इज द ग्रीफ इज ऑफ अ पर्सनल नेचर ये यू नो इसका इम्पॉर्टेंस है कि इंडिविजुअल को हम अलाउ करते हैं हिज पर्सनल स्पेस टू प्रोसेस एंड कोप विदर इमोशंस उनको अपने लॉस के साथ कोप करने के लिए हम उनको एक समय दे रहे हैं उनका एक पर्सनल स्पेस दे रहे हैं विदाउट इंटरफियरिंग इन हिज लॉस ओके दिस इज द लास्ट स्लाइट एंड वी आर डाउन टू द लास्ट टू क्वेश्चन सो द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज मनी कॉल्ड एक्सटर्नल मनी को एक्सटर्नल अनइम्पॉर्टेंट क्यों बोला गया है बिकॉज मनी कैनॉट बाय मेमरीज इट कैनॉट रिप्लेस द थिंग दैट वी हैव लॉस्ड एंड लव्ड यू नो वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट थी मनी दूसरी चीज़ ला के दे सकती है बट उस चीज को उस प्यार को रिप्लेस नहीं कर सकती सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट डज द पोएट मीन बाय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो इफ यू लुक एट द लाइन इन द पोएम तो वहां पे है यू नो अ डाइम एन अदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस इसका मतलब है कि जब हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम बॉय को समझा रहे हैं दैट ही मस्ट लुक आफ्टर हिज थिंग्स प्रॉपरली अगर कोई चीज उसको इतनी डियर है इतनी प्यारी है तो उसको संभाल कर भी रखना होता है हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग दैट थिंग और इन द केस ऑफ द बॉय वी शुड बी केयरफुल वाइल प्लेइंग ट्रेजर्ड पोजेशन और अ टॉय

At this point, I can only wish you all the best for your exams and uh, a huge thank you from my side for giving me your valuable time at this point in your lives. So, thanks a lot.